हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ श्योर थिंग फैन फिक्शन का पार्ट 7 शुरू करते हैं। वीकेंड का समय था। वांग जी वुइंग को आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आया था। वांग जी उसे काफ़ी सारी आर्ट दिखा रहा था और उससे कह रहा था ये आर्ट्स मोस्टली ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज बताती हैं। वुइंग की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें कुछ बर्ड्स लोटस पॉन्ड के आसपास उड़ रही थी। वांग जी ये देखकर उससे कहता है आर्ट्स में तुम्हारा काफ़ी अच्छा टेस्ट है। वुइंग मुस्कुराते हुए कहता है एक टाइम था जब मैं भी ड्रॉ किया करता था लेकिन अब मैं नहीं करता। वांग जी सरप्राइज होते हुए कहता है तुम पेंट करते थे? वुइंग कहता है हाँ मैं पेंट किया करता था, मैंने आर्ट क्लासेस ली थी स्कूल में। वांग जी कहता है क्या तुमने अपने बनाए हुए आर्ट पीसेस कभी किसी को दिखाए थे? वुइंग हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे सिबलिंग्स ने ज़रूर देखे थे बट और किसी को क्या परवाह होगी लंचा। तभी वांग जी उससे कहता है मैं देखना चाहूँगा। वुइंग पहले तो शॉक्ड रह जाता है लेकिन वो स्लो वॉइस में कहता है ठीक है लंचा। और इस तरह उनका आखिरी दिन भी न्यूयॉर्क में बीत जाता है। वुइंग जब घर वापस आता है तो वो अपने बेड पर लेटते हुए कहता है फाइनली मैं घर आ गया हूँ। वेंचिंग उससे पूछती है तो न्यूयॉर्क में सब कुछ कैसा रहा? वुइंग कहता है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, सब कुछ बहुत अमेजिंग था, सिटी एकदम फैंटास्टिक है। वेंचिंग उससे पूछती है उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया? वुइंग एक वार्म स्माइल के साथ कहता है उसने भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। अगले दिन वुइंग जब वांग जी के घर जाता है तो वांग जी उससे कहता है मैं तुम्हारे घर कुछ डिलीवर करवाना चाहता हूँ वुइंग, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वांग जी किचन में था, वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था, वुइंग उसके पास ही खड़ा था। वांग जी हेजिटेट करते हुए कहता है मैं तुम्हारे घर डिलीवर करवा सकता हूँ ना? वुइंग पूछता है लेकिन तुम क्या डिलीवर करवाना चाहते हो? वांग जी कहता है ये एक सरप्राइज़ है। वुइंग कहता है ठीक है लेकिन जब भी डिलीवरी होने वाली हो मुझे कॉल करके बता देना ताकि मैं घर रह सकूँ रिसीव करने के लिए। अगले दिन वुइंग को पता चलता है कि वांग जी ने उसके लिए बेड खरीद लिया है, दो लोग बेड को उसके घर तक लेकर आ रहे थे। वुइंग सोचने लगता है लेकिन मैं इसे कहाँ रखवाऊँ, मेरे रूम में तो ऑलरेडी मेरा पुराना बेड है। वो दोनों कहते हैं वो सब हम देख लेंगे। वो दोनों वुइंग के पुराने बेड को बाहर कर देते हैं और नया बेड रख देते हैं। वुइंग तुरंत उस बेड पर लेट जाता है, उसे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। उस बेड पर जो मैट्रेस था वो वुइंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उस रात जब वुइंग वांग जी के घर जाता है तो वो उससे कहता है लंचा वो बेड तो सच में इनक्रेडिबल है। वांग जी उससे कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें वो पसंद आया, मैंने उस पर वही मैट्रेस डलवाए थे जो मेरे गेस्ट रूम में है क्योंकि मेरे गेस्ट रूम का बेड तुम्हें बहुत पसंद है ना? वुइंग कहता है वाओ लंजा थैंक यू वेरी मच। वांग जी उसके नज़दीक जाता है, उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो वुइंग की वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें याद है ना मुझे तुम्हें स्पॉइल करना अच्छा लगता है। वांग जी वुइंग को ईयर पे किस करता है, वुइंग अचानक अपनी आँखें बंद कर लेता है। जब से वो दोनों न्यूयॉर्क से वापस आए थे उन दोनों के बीच थोड़ा कुछ चेंज हो गया था। वांग जी रात के समय उसके साथ पहले से ईजी हो गया था, उन्होंने एक और महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब वांग जी रात को वुइंग को गेस्ट रूम में भी नहीं भेजता था। एक रात दोनों वांग जी के बेड पर लेटे हुए थे, वांग जी ने वुइंग की वेस्ट को पकड़ा हुआ था और वुइंग का हेड वांग जी के चेस्ट पर था। वांग जी वुइंग से कहता है एक गैलरी इवेंट होने वाली है वुइंग, तुम मेरे साथ चलोगे ना? वुइंग कहता है हाँ लंजा पर मुझे वहाँ कोट तो नहीं पहनना होगा ना? वांग जी कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी लेकिन मेरे ब्रदर और अंकल वहाँ होंगे तो तुम्हें थोड़ा प्रिटेंड करना होगा। वुइंग कहता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ लंजा, तुम्हारी फैमिली को ये क्यों दिखाना चाहते हो कि हम दोनों साथ साथ हैं? वांग जी थोड़ी देर साइलेंट रह जाता है और फिर वो वुइंग से कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली मेरे बारे में परवाह करे, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। वुइंग उससे कहता है मैं समझ गया लेकिन क्या तुम मेरे साथ होने में कंफर्टेबल हो? वांग जी कहता है मैं क्यों नहीं हूँगा? वुइंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे वर्ल्ड से नहीं हूँ, मुझे आर्ट्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लगा। वांग जी उससे कहता है तुम्हें ये सब की नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है वुइंग, तुम मेरे लिए मोर दैन इनफ हो। ये सुनने के बाद तो जैसे वुइंग का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गया था। अब वांग जी वुइंग को आर्ट गैलरी में लेकर आता है जहाँ शिजैन और चिरैन मौजूद थे।
वांग जी वुई को लैन जिरेन से एक आर्टिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। शिचैन ये सुनकर कहता है, वुईंग तुमने पहले तो ये नहीं बताया था। वुईंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, मैं पेंट और ड्राइंग किया करता था लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया था। ये सुनकर चिरैन कहता है, तो तुम अब क्या करते हो। वुईंग एक गहरी सांस लेने के बाद कहता है, मैं एक बारटेंडर हूँ। ये सुनने के बाद चिरैन थोड़ा डिसप्लीज दिखने लगता है और वो शिचैन से बात करना शुरू कर देता है। वांग जी वुईंग के पास आकर उसके कान में कहता है, तुम ठीक हो ना। वुईंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स लंजा, पर शायद तुम्हारे अंकल मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, अंकल को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। चिरैन और शिचैन के जाने के बाद वांग जी वुईंग से कहता है, अब हमें भी घर चलना चाहिए। उस रात घर आने के बाद वांग जी वुईंग से इंटीमेट होने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो किचन में जाता है, वाइन फ्रिज में से बॉटल निकाल कर लाता है और वुईंग को एक ग्लास ऑफ वाइन ऑफर करता है। वो दोनों लिविंग रूम में आ जाते हैं। वांग जी सोफे पर बैठता है और वुईंग की लेग्स को अपनी गोद में रख लेता है। वांग जी वुईंग से कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वुईंग कहता है, ऑफकोर्स लंजा। वांग जी कहता है, तुम कब से ये सब करते आ रहे हो। वुईंग वाइन की एक सिप लेता है और वांग जी से कहता है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये सब इंजॉइंग लगता है। वुईंग कहता है, हाँ लंजा, इसमें फ़न है, तुम्हें लोगों को जानने को मिलता है, उनकी दुनिया में एंट्री करने को मिलता है और तुम जब चाहो तब बाहर आ सकते हो बिना किसी हार्म के। वांग जी स्लोली हाँ में सिर हिला देता है। अब वुईंग कहता है, एक्चुअली मैं सच में एक बारटेंडर हुआ करता था, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से ऐसा कहा। वांग जी कहता है, ओके वुईंग, क्या तुम मुझे आगे बताना चाहोगे। वुईंग कहता है, बारटेंडर की जॉब से मैं अपने बिल्स पे नहीं कर पाता था, फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे शुगरिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, तब से ही एक वेबसाइट के थ्रू मैं ये सब करने लगा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तुमने मुझे बताया था कि तुमने कॉलेज में आर्ट सीखा था, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। वुईंग कहता है, एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं हर चीज़ से थक चुका था लंजा, मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोन्स लेने पड़े थे, कॉलेज के नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिली थी जिस वजह से मुझे जॉब करना पड़ा, लेकिन उस जॉब से सब कुछ नहीं हो पाता था, मुझे रेगुलर लोन्स लेने पड़े और इस तरह मैं बस फंसता ही चला गया। वांग जी कहता है, तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हारी मदद नहीं की। वुईंग कहता है, मैं उनकी मदद नहीं चाहता था, मैं एक अडल्ट था लंजा, मैं 18 साल से ऊपर का था, तो मैं खुद अपनी जॉब करना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर मुझे अपेंडिक्स हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, वो सब में मैं और डेप्थ में चला गया। वांग जी उससे पूछता है, अब तुम्हारा कितना डेप्थ रह गया है। वुईंग कहता है, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है, मैं धीरे धीरे करके सब पे कर रहा हूँ, मेरी जॉब मुझे बहुत मदद कर रही है। वांग जी उससे पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते थे। वुईंग कहता है, ऑनेस्टली लंजा, मैं आगे स्टडी नहीं करना चाहता था, शायद तुम इस बात पर हंसोगे लेकिन मैं एक आर्ट टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसकी सैलरी से कभी भी मैं अपना डेप्थ नहीं चुका पाता। वांग जी उससे कहता है, तुम सच में आर्ट सिखाना चाहते थे। वुईंग कहता है, हाँ एक समय था जब मैं अपनी आर्ट क्लासेस को बहुत इन्जॉय किया करता था, मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे। अब वुईंग उससे कहता है, अब हमें सो जाना चाहिए लंजा। वो दोनों साथ में टूथब्रश करते हैं, उसके बाद बेड पर आ जाते हैं। वांग जी हमेशा की तरह लाइट्स ऑफ करता है। वो अब वुईंग के नज़दीक जाता है, उसकी वेस्ट पर अपना वार्म हैंड रखता है और उसे किस करता है। वुईंग भी उसे रिस्पॉन्ड करता है। वुईंग को अब वांग जी का किस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, वो कभी भी नहीं रुकना चाहता था, वो सुबह से लेकर शाम तक उसे किस कर सकता था। जब दोनों ब्रेथलेस होकर एक दूसरे से अलग होते हैं, वुईंग वांग जी के थके हुए एक्सप्रेशन नोटिस कर सकता था। वो खुद वांग जी से कहता है, हमें अब सो जाना चाहिए। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वो एक और बार वुईंग को एक क्विक किस करता है और वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच वुईंग, तुमने आज जो भी कुछ मेरे साथ शेयर किया उसके लिए। वुईंग भी उससे कहता है,
थैंक यू वेरी मच लंजा मुझे सुनने के लिए। अगले दिन वुइंग हुएसांग से कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है हुएसांग, शायद मुझे उससे प्यार होने लगा है। हुएसांग उससे कहता है, क्या तुम्हें अपने क्लाइंट से प्यार होने लगा है? फिर तुम्हें जल्दी ही ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। वुइंग कहता है, मैं नहीं कर सकता। हुएसांग कहता है, तुम कर सकते हो, तुम ये जॉब कितने लंबे समय से करते आ रहे हो, ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं जो तुम्हें पहली बार कोई पसंद आया हो। वुइंग कहता है, मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स वो अच्छे थे, मुझे वो पसंद थे, लेकिन लंजा बिल्कुल अलग है, उसके लिए मैं फीलिंग्स रखने लगा हूँ। हुएसांग कहता है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? वुइंग कहता है, मैं बस उसे पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं उससे दूर होता हूँ मुझे बोर फील होने लगता है, मुझे ऐसा मन करता है कि मैं हमेशा बस उसके आसपास ही रहूँ, मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। हुएसांग कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें जल्दी ही ये सब ख़त्म करके अपने लिए नया क्लाइंट ढूंढ लेना चाहिए। लोगों को प्यार होता है, लेकिन जल्दी ही वो प्यार को भूल भी जाते हैं। वुइंग कहता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुएसांग कहता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो वुइंग, बस एक क्लाइंट ही तो है। वुइंग कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कुछ करना होगा। एक हफ्ते बाद वुइंग को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे बॉडी पेन था और सर में भी बहुत दर्द था। उस रात उसे लंजा के घर जाना था, पर अपनी हालत को देखकर वो कैसे भी आज रात लंजा के घर नहीं जा सकता था। उसे कोल्ड भी हो गया था, वो कैसे भी किचन में उठकर जाता है, अपने लिए वार्म वाटर करता है और फिर वो अपने रूम में जाकर वापस सो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे वांग जी का मैसेज रिसीव होता है, जो उससे पूछ रहा था, क्या तुम रास्ते में हो? वुइंग वांग जी को कॉल करते हुए कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, पर आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वांग जी तुरंत उससे कहता है, आई एम सॉरी वुइंग, तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? वुइंग उससे कहता है, नहीं लंजा, मुझे बस फ्लू है, एक दो दिन मैं घर पर रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वांग जी उससे कहता है, ऑफ़ कोर्स वुइंग, तुम अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। वुइंग कहता है, थैंक यू लंजा, एंड आई एम सॉरी वंस अगैन। वांग जी उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है वुइंग। उसके बाद वुइंग सो जाता है, लेकिन अगली सुबह वो उठता है, तब भी उसकी हेल्थ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। वेंचिंग उसे चेक करते हुए कहती है, तुम्हारी तबीयत तो सच में अभी ठीक नहीं है, पर तुम्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वेंचिंग अपने वर्क पर जाने से पहले वुइंग को मेडिसिन देकर जाती है और उसके लिए टी बनाकर जाती है। कुछ टाइम बाद वुइंग को वांग जी का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू वुइंग, लेकिन मैं तुम्हारे एरिया में ही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर लेकर आ सकता हूँ। कुछ टाइम बाद वांग जी एक और मैसेज करता है, क्या मैं तुम्हारे लिए सूप ले आऊँ? वुइंग सोचने लगता है, लंजा सच में कभी कभी वियर्ड है, पर बहुत काइंड भी है। वो वांग जी को मैसेज कर देता है, ओके लंजा तुम ला सकते हो। वुइंग वहीं लेटे हुए सोचने लगता है, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं लंजा के पास होना बहुत मिस कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद उसे वांग जी का एक और मैसेज रिसीव होता है, मैंने तुम्हारे डोर पर बैग छोड़ दिया है, ये अभी भी वॉर्म है, तुम्हें जल्दी से आकर ले लेना चाहिए। वुइंग कैसे भी उठता है और दरवाजे तक जाता है, वो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सा बैग फ्लोर पर रखा हुआ था। वांग जी नीचे हॉल की तरफ जाने लगा था, तभी वुइंग उसे आवाज़ देता है, वांग जी वहीं की वहीं रुक जाता है। वुइंग उसे कहता है, थैंक यू वेरी मच लंजा, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? वुइंग ने बिना कुछ समझे ही वांग जी को इनवाइट तो कर दिया था, लेकिन उसका घर अभी बहुत मैस था, वेंचिंग भी बिजी थी, इसलिए वो जाने से पहले क्लीन नहीं कर पाई। वांग जी भी वुइंग के एक बार कहने पर ही अंदर की तरफ आने लगता है। वुइंग उससे कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर शायद तुम अंदर नहीं आना चाहोगे, अंदर बहुत गंदा है। वांग जी उससे कहता है, पर मैं आना चाहता हूँ। वुइंग जैसे ही उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है, अचानक उसके पैर डगमगाने लगते हैं। वो गिरने ही वाला होता है कि वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, वुइंग। वुइंग कहता है, सॉरी लंजा, मैं ठीक हूँ, बस अचानक से मुझे चक्कर आ गया था। वांग जी वुइंग को बेडरूम तक ले जाता है। बेडरूम की हालत देखकर वुइंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, यहाँ बहुत मैस है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम बस बेड पर लेट जाओ। वो उसे बेड पर ले जाने में मदद करता है।
वो उसे ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है। तभी विगिन कहता है, सॉरी लंजा, तुम्हें मेरी ये साइड देखनी पड़ रही है, इस वक्त मैं बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लग रहा हूँगा। वांगजी उससे कहता है, चुप रहो विगिन, और बेड पर उसके पास ही बैठ जाता है। विगिन कहता है, लंजा तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। वांगजी उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें तो बुखार है विगिन। विगिन कहता है, हाँ लंजा, पर मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। तभी वांगजी कहता है, मैं अभी आता हूँ। विगिन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं बस अभी आता हूँ। वांगजी कुछ देर बाद रूम में आता है। उसके हाथ में पानी का ग्लास था और एक दवा थी। वो विगिन से कहता है, ये एडविल है, इसे खाने से तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विगिन कहता है, थैंक यू वेरी मच लंजा। वांगजी विगिन को उठाने में मदद करता है और उसे वो पिल्स देता है। वांगजी फिर विगिन से कहता है, मैं अभी आता हूँ। इस बार वो अपने साथ बाउल लेकर आता है जिसमें सूप था। वो विगिन से कहता है, तुम्हारे पास एक टॉवल है? विगिन कहता है, हाँ लंजा, बाथरूम में ब्लू कलर की, वो मेरी टॉवल है। वांगजी उसकी टॉवल लेकर आता है। वो विगिन को फिर से बिठाने में मदद करता है, उसके लैप पर टॉवल रखता है और उसे सूप पिलाने लगता है। विगिन धीरे धीरे पूरा सूप पी लेता है। अब वो बाउल लेकर वापस किचन में जाता है। इस बार अपने हाथ में वो टी लेकर आता है। वो विगिन से उसे पीने के लिए कहता है। विगिन कंप्लेन करते हुए कहता है, पर मेरा पेट भर गया है लंजा। विगिन उसे ऑर्डर देता है, इसे अभी पियो विगिन। विगिन टी पीने लगता है। वांगजी उससे वो मग लेते हुए कहता है, गुड बॉय, अब क्या तुम्हें शावर के लिए जाना है? विगिन कहता है, मुझसे स्मेल आ रही होगी ना लंजा, आई नो। वांगजी कहता है, ऐसा नहीं है, वो बस तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक रहेगा। विगिन कहता है, लेकिन अगर मैं गिर गया तो? मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। वांगजी उसके पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वांगजी अब उसे शावर लेने में भी मदद करता है। अब वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम अपने हेयर वॉश करना चाहते हो? विगिन को वांगजी के हाथ से नहाने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो उससे कह देता है, यस प्लीज़। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारा शैम्पू लेकर आता हूँ। वो शैम्पू ले आता है तो विगिन उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा शैम्पू है? वांगजी कहता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी सेंट है। विगिन थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। अब वांगजी उससे पूछता है, तुम्हारे क्लीन कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? विगिन कहता है, टॉप ड्रॉर में है लंजा। वांगजी ड्रेसर खोलकर उसके कपड़े निकाल कर लेकर आता है। वो उसे पहनने में मदद करता है तो विगिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंजा मैं खुद कर लूँगा। वांगजी कहता है, मुझे करने दो विगिन, मेरे शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लो। विगिन उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है और वांगजी उसके कपड़े पहनाने में मदद करता है। विगिन उससे पूछना चाहता था कि वांगजी ये सब क्यों कर रहा है। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम्हारी क्लीन शीट्स कहाँ रखी हुई हैं? मैं बेड की शीट्स चेंज कर देता हूँ तो तुम्हें और भी ज़्यादा फ्रेश फील होगा। विगिन उसे बता देता है कि उसकी शीट्स कहाँ रखी हुई हैं। वांगजी तुरंत बेड शीट्स चेंज कर देता है और विगिन को बेड पर लिटा देता है। अब वो उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा फीवर जल्दी ही उतर जाएगा। विगिन कहता है, तुम बहुत अच्छे हो लंजा। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, सो जाओ विगिन, मैं यहीं पर पास में मेडिसिन और थोड़ा सा वाटर रख कर जा रहा हूँ, टाइम से अपनी दवा ले लेना। विगिन कहता है, ओके कैप्टन। जब धीरे धीरे विगिन को नींद आ जाती है, उसके बाद ही वांगजी वहाँ से चला जाता है। विगिन की जब आंखें खुलती हैं तो उसके रूम में अंधेरा था और वो अकेला था। वो तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें वांगजी ने मैसेज किया था, पानी पीना मत भूलना विगिन और दवा ज़रूर ले लेना, फ्रिज में मैंने सूप रख दिया है, जब तुम्हें ठीक लगे तो उसे पी लेना। विगिन को फिर से बहुत शाय फील होने लगता है। वो अपना फेस पिलो में छुपा लेता है और खुद से कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? उसका हार्ट भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। दो दिन बाद विगिन अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था। वांगजी उसे विजिट करने तो नहीं आ पाया था, लेकिन वो बार बार उसे मैसेज करता रहता था। कभी वो उसे दवा लेने के लिए मैसेज करता तो कभी वो उससे कहता, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। विगिन सोचने लगता है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जब मैंने लंजा को प्रॉपर तरीके से विजिट किया था,
ऐसा सोचकर वो वांग जी को मैसेज कर देता है, अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ लंजा, आज मैंने शावर भी अपने आप ही लिया। वांग जी तुरंत उसे रिप्लाई करता है, सुनकर बहुत अच्छा लगा वेइंग, जब तुम पूरी तरीके से हेल्दी हो जाओ तो यहाँ ज़रूर आना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वेइंग उसे मैसेज करता है, लंजा मैं अब ठीक हूँ, मैं कल रात को ही आ जाऊँगा। हाँ अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हें ना लग जाए तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ। वांग जी तुरंत उसे मैसेज करता है, प्लीज़ आ जाना, मैं हम दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर करके रखूँगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट सा था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।